मैंने तीन भिक्षुओं के बारे में सुना है। किसी का नाम नहीं बताया गया क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए चीन में उन्हें केवल द थ्री लाफिंग मॉक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने केवल एक ही काम किया, वे गांव में प्रवेश करेंगे, बाजार में खड़े होंगे और हंसने लगेंगे। अचानक लोग जागरूक हो जाएंगे और जी भर कर हंसने लगेंगे। फिर दूसरों को भी संक्रमण हो जाएगा और फिर भीड़ जमा हो जाएगी और उन्हें देखकर ही पूरी भीड़ हंसने लगेंगी, क्या हो रहा है। फिर पूरा शहर इसमें शामिल हो जाएगा और वे दूसरे शहर में चले जाएंगे। उन्हें बहुत प्यार किया जाता था, वो उनका एकमात्र उपदेश था, एकमात्र संदेश था वह हंसी। और वे सिखाएंगे नहीं, वे बस स्थिति निर्मित करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए, तीन हंसते हुए भिक्षु। पूरा चीन उनसे प्यार करता था, उनका सम्मान करता था। किसी ने भी इस तरह से उपदेश नहीं दिया था कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और वे किसी पर विशेष रूप से नहीं हंस रहे थे, बल्कि बस ऐसे हंस रहे थे जैसे कि उन्होंने लौकिक मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में इतनी खुशी फैला दी कि लोग उनका नाम पूछते थे लेकिन वे बस हंस देते थे। इस तरह उनका नाम बन गया तीन हंसते हुए भिक्षु। फिर वे बूढ़े हो गए और एक गांव में तीन भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव बहुत आशावान था, उम्मीदों से भरा हुआ था, क्योंकि अब कम से कम जब उनमें से कोई मर गया होगा तो उन्हें रोना ही पड़ेगा। ये देखने लायक बात होगी क्योंकि इन लोगों के रोने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सारा गांव एकत्र हो गया। दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े थे और ऐसी पेट भरी हंसी हंस रहे थे तो गांव वालों ने पूछा, या तो समझाओ। तो पहली बार वे बोले और उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा और इस आदमी ने हमें हरा दिया है। हम हंस रहे हैं अपनी हार पर, उसकी जीत पर। वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकजुटता उपस्थिति का आनंद लिया। उन्हें अंतिम विदाई देने का और कोई तरीका नहीं हो सकता, हम केवल हंस सकते हैं। पूरा गांव दुखी था, लेकिन जब मृत साधु का शरीर चीता पर रखा गया तब गांव वालों को एहसास हुआ न केवल ये दोनों मजाक कर रहे थे, तीसरा जो मर गया था वह भी हंस रहा था। क्योंकि जो तीसरा आदमी मरा था उसने अपनी बात बताई थी, साथियों मेरी पोशाक मत बदलो। यह पारंपरिक था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो वे पोशाक बदल देते थे और शरीर को स्नान कराते थे। इसलिए उन्होंने कहा था, मुझे स्नान मत कराओ क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ हूँ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है कि कोई भी अशुद्धता मेरे पास जमा नहीं हो सकती, मेरे पास आ भी नहीं सकती। मैंने कोई धूल नहीं जमा की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे ना नहलाओ और मेरे कपड़े मत बदलो। इसलिए उन्होंने सम्मान देने के लिए उन्हें उनके कपड़े नहीं बदले। और जब सब को आग पर रखा गया तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों के नीचे बहुत सी चीज़ें छिपा रखी हैं। और वे चीज़ें शुरू हो गई चीनी आताशबाजी, तो सारा गांव हंसा और उन दोनों ने कहा, अरे दुष्ट तुम तो मर गए परंतु फिर भी तुमने हमें हरा दिया, आपकी हंसी आखिरी है। तीन हंसते हुए भिक्षु की कहानी सिर्फ हंसी या मजाक की कहानी नहीं है, यह कैसी कथा है इसे जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ट्रू पहचान को सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। यह कैसी कथा है जो मानवीय आत्मा के गहरे क्षेत्रों में उतरती है। यह अस्तित्व के साथ पारंपरिक मापदंडों के अतिक्रमण और जीवन और मृत्यु के बीच शाश्वत मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन हंसते हुए भिक्षुओं के भीतर एक गहन ज्ञान
एक संदेश छिपा है जो शब्दों से भी बढ़कर है। उनकी हंसी माजित तुच्छ कार्य नहीं है या लौकिक मजाक की उनकी गहन समझ का प्रतिबिंब है। उन्होंने इस सत्य को मूर्त रूप दिया कि जीवन अपने मूल में आनंद के साथ जीने, हंसी के साथ गले लगाने और होने के हल्केपन के साथ जश्न मनाने के लिए है। क्या चाहोगे जब आपसे कोई मिले तो हंसते हुए मिले? हर कोई चाहता है, तो इसलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें ताकि जब सब मीठी मुस्कान के साथ मिलेंगे तो देखना यह दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।